जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी का कोई भी उन मुद्दों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। वो सिर्फ हिमाचल के मुख्यमंत्री आज आए दिन अलग अलग बयान देकर इस प्रदेश की जनता का जो ध्यान है वो इन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि अपना 4 साल का जो कार्यकाल था उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया, परंतु वो 4 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही समय लगाया, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त थी, परंतु उनका उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं था। आज आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार है। इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो मुखिया है उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश के कितने युवाओं को आज तक रोजगार दिया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है। एक और तो भाजपा की सरकार मुफ्त राशन बांटने की बातें करती है, परंतु आज आप देखेंगे कि जो राशन डिपुओं में सस्ते भाव पे मिलता था आज वो राशन महंगा हो चुका है। और मुफ्त राशन बांटने की बात तो दूर की बात है कि आज डिपुओं में ना तो दालें उपलब्ध हो पा रही हैं, ना तो पूरा राशन लोगों को मिल पा रहा है। और महंगाई आप देखेंगे कि आज सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, यहाँ तक कि इस हिमाचल प्रदेश में ही सीमेंट तैयार होता है परंतु आज हिमाचल प्रदेश में वो ही सीमेंट सबसे ज्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में ही सेब जो उगाया जाता है परंतु वही सेब हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगे दामों पर मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार सिर्फ ध्यान हटाना चाहती है, उनका एक मुख्य उद्देश्य है कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं बस इन उपचुनावों में जनता का ध्यान हटाया जाए, परंतु हकीकत में ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो कांग्रेस के हक में वोट डालकर, कांग्रेस की चारों की चारों सीटें जिताकर इस हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है वो आने वाले इन चुनावों के परिणामों में एक कड़ा जवाब देगी। और ये जो हिमाचल की सरकार है ये सिर्फ मुद्दों की बात करती है परंतु धरातल पर एक ऐसा कोई नीम का पत्थर या विकास का पत्थर नया आयाम नहीं लिखा है। जितने भी आज तक विकास हुआ है वो कांग्रेस सरकार की देन है और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जो चारों सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है इसमें कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस एक नया परचम लहराएगी। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।